हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.3 से। क्वेश्चन नंबर 4। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। क्वेश्चन में कहता है कि कोई कुआं है और क्योंकि डायमीटर दे रखा है तो वो जो कुआं है वो सिलेंड्रिकल शेप का है। ऐसा कोई कुआं है और इसका डायमीटर दे रखा है 3 मीटर। ये 3 मीटर दे रखा है डायमीटर और इसकी 14 मीटर डीप है, ये इसकी हाइट हो गई, ये 14 मीटर गहरा है और इसको खोद दिया गया, इस कुएं को गोल गोल खोद दिया। और इसमें से आगे क्वेश्चन है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। अब इस कुएं को खोद कर इसमें से जो मिट्टी निकली ना, उस मिट्टी को इस कुएं के चारों तरफ ही फैला दिया, इस तरह से फैला दिया, चारों तरफ फैला दिया तो ये रिंग शेप की बन गई और मिट्टी से चबूतरा बना दिया। चबूतरा आपने देखा होगा, जहां पे खड़े होके पानी भरते हैं तो थोड़ी सी हाइट होती है, वो उस तरह का ही चबूतरा बना दिया। सामने से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देता है चबूतरा, यहां पे कुआं होगा ये, तो इसमें से मिट्टी निकली और ये इस चबूतरे पर ही बिछा दी, ऐसे चबूतरा बन गया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो ये चबूतरा जो बना है ना, ये कितनी इसकी हाइट होगी ये आपको निकालना है। देखिए, सबसे पहले तो ये इसमें रिंग कहा गया है ना, रिंग शेप में। मैं बता दूं रिंग क्या होता है। रिंग होता है दो सर्कल, बीच वाला खोखला होता है और यहाँ पे मटेरियल होता है। तो इस चबूतरे को, इस एम्बैंकमेंट को जब आप ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगा और ये जो बीच में है ना, ये वेल है। तो मिट्टी सिर्फ इतने इतने पर फैली गई है तो ये रिंग शेप हो गया। अब ये जो रिंग है ना, ये नीचे तक है। नीचे तक का मतलब है जितने में मिट्टी फैली है वहाँ तक की ये रिंग है, इस तरह से एक पाइप जैसा दिखेगा आपको ऐसे। और जहाँ तक ये मिट्टी फैली है, ये चबूतरे का मैं बना रहा हूँ, ये यहाँ तक ये चबूतरे की ये हाइट है। अब चबूतरा जो है दो सिलेंडर से मिलके बना है, एक सिलेंडर तो ये हो गया खोखला और एक हो गया ये पूरा का पूरा। तो ये जो हॉलो सिलेंडर होता है ना, हॉलो सिलेंडर का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का तरीका भी ये होता है कि पहले निकालेंगे पूरे का, मतलब ये है तो पाई आर स्क्वायर हाइट, इसकी जो आर है ये बड़ी वाली मानी जाती है सेंटर से। जैसे ये तो हुआ कुआं, ये छोटा आर हो गया और ये हुआ चबूतरा। तो यहाँ से लेके इसमें ये जो रिंग की जो चौड़ाई है ना, ये यहाँ पे 4 मीटर दे रखी है, तो ये 4। तो सेंटर से लेके जो खोखला खोखला पार्ट होता है इसे हम छोटा रेडियस मानते हैं, और सेंटर से लेके बाउंड्री तक एंड तक जो होता है इसे हम बड़ा आर मानते हैं। तो जब पूरे का हम वॉल्यूम निकालेंगे हॉलो सिलेंडर का, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर हाइट होगी और इसमें से खोखला वाला माइनस करेंगे, यानी पाई छोटा आर स्क्वायर हाइट को माइनस करेंगे। तो ये जो मटेरियल है ना, ये खोखले को हटा के जहाँ जहाँ पे ये मिट्टी डली है, ये रिंग की शेप बन गया ना, और रिंग की शेप ये नीचे तक हो गया, जैसे कि कोई पाइप होता है, आपने पाइप देखा हो ऐसे, यहाँ यहाँ पर मिट्टी डली है। तो ये हो गया इस मिट्टी का वॉल्यूम इसके अंदर। इसे हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, पाई कॉमन आ रहा है, हाइट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाइट दोनों में सेम है, और ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये जो वॉल्यूम है ना, ये एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम है, जहाँ जहाँ पे मिट्टी फैलाई गई है वो ये वॉल्यूम है। पहले आपको इस चीज़ को समझना है, क्योंकि कुआं तो बिल्कुल सिंपल है, कुआं कुएं में से जो मिट्टी निकली है, कुआं तो है सिलेंडर शेप का। आपको तो ये समझना है कि जो मिट्टी फैलाई गई है ना, एक्चुअली वो सॉलिड शेप क्या है, वो है एक हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में अंदर अंदर तो मिट्टी गई नहीं है, क्योंकि अंदर से तो निकली है ना, ये यहाँ यहाँ पे फैली है। तो ये, और क्योंकि इसकी हाइट है, तो बड़े में से बड़ा सिलेंडर माइनस छोटा सिलेंडर, तो जहाँ जहाँ मिट्टी फैली है ये फॉर्मूला बन जाता है, ये वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन कन्वर्जन का है, कुएं में से मिट्टी निकली है और यहाँ पर गिरी है एम्बैंकमेंट पर, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट, यानी जो चबूतरे के ऊपर जो मिट्टी गिरी है
उसका वॉल्यूम और जो कुएं में से मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम, वो दोनों सेम रहेंगे क्योंकि वही तो मिट्टी इसके ऊपर गिरी है। तो पहले हम वही लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन वेल। अब एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला मैंने ये बना दिया, पाई एच और बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। ये तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम बना है जो कि एक हॉलो सिलेंडर की शेप का है। अर्थ इन वेल, कुआं, कुएं के अंदर कितनी मिट्टी है, जितना वॉल्यूम कुएं का है। कुआं जो है सिलेंडर की शेप का है, तो फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर और इसकी हाइट। देखिए इसकी हाइट को मैं बड़े एस से डिनोट कर रहा हूँ, कुएं की हाइट को मैं बड़े एस से डिनोट कर लेता हूँ क्योंकि ये हाइट बड़ी होगी, और एम्बैंकमेंट की हाइट जो है चबूतरा वो छोटी होगी, तो उसे मैं छोटे एस से डिनोट कर लेता हूँ। अब बात आती है कि इसके अंदर ये जो बड़े आर और छोटे आर है ना, ये क्या है। वैसे मैंने आपको यहाँ फिगर में बता दिया कि खोखला खोखला जो पार्ट होता है ना वो छोटा आर होता है। तो यहाँ पे जो खोखला पार्ट है ना इस क्वेश्चन के अंदर, वो है 3 मीटर का डायमीटर। तो 3 मीटर का डायमीटर है तो छोटा रेडियस इसका हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 मीटर, ये छोटा रेडियस है। अब बड़े रेडियस की बात आती है, बड़े रेडियस होता है सेंटर में से लेके और पूरा एंड पॉइंट तक। अब यहाँ से यहाँ तक तो ये 1.5 है, और चबूतरे की जो चौड़ाई है ये वाली चीज़ ये 4 मीटर है, ये बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 और इसमें ये ऐड हो गया 4, तो जो बड़ा रेडियस इसके अंदर बनेगा ना वो 1.5 + 4 यानी कि 5.5 मीटर का बन जाएगा। बस अब यहां से अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आ जाएगी। पुट करते हैं, सबसे पहले तो अगर कुछ कॉमन है दोनों तरफ तो वो काट लेंगे। मुझे पाई दिख रहा है, पाई से पाई कट गया, छोटी एच तो हमें निकालनी है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट एज इट इज रख लिया। बड़े आर छोटे आर यहां से देख के लिखेंगे, बड़ा आर है 5.5 का स्क्वायर, छोटा आर है 1.5 का स्क्वायर। यहाँ पे छोटे आर का स्क्वायर यानी 1.5 × 1.5, और हाइट ये वेल की है, वेल की जो हाइट है वो 14 है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस तरफ देखें एच, और इसे थोड़ा आसान करने के लिए इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 5.5 में प्लस हो जाएगा 1.5, और 5.5 में से माइनस हो जाएगा 1.5। ये इसको करने का आसान तरीका है। यहाँ पे ये सेम रहेगा, अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। इसमें इन्हें जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और इन्हें जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इस तरह से यहाँ पे सेम है, अभी तक कुछ चेंज नहीं किया मैंने क्वेश्चन में, एज इट इज कॉपी, और इस स्टेप में भी कुछ भी चेंज नहीं किया, एज इट इज कॉपी। अब मुझे यहां से हाइट निकालनी है, और हाइट के पास 7 और 4 मल्टीप्लाई में है, तो 7 और 4 को मैं इधर डिवाइड में ले जाऊंगा तो मेरी हाइट ही आ जाएगी। तो इसको तो मैं करूंगा कॉपी, और ये जो 7 4 या हाइट के पास मल्टीप्लाई में, ये चले जाएंगे डिवाइड में। इस तरह से बस इसको सॉल्व करते ही आंसर है, ये 7 और 14 कट रहे हैं, 7 1 जार 7 2 जार, फिर 2 और 4 कट रहे हैं, ये 2 1 जार और ये 2 2 जार। अब ऊपर ऊपर तो बचा है 1.5 × 1.5, 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 15 को 15 से करने से 225 आता है, 5 5 = 5, 2 5 6 7 और 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये 225 आया। पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद ये दूसरा नंबर, तो टोटल 2 नंबर हो गए, तो 1 और 2 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना 1.5 × 1.5, ये आएगा 2.25, और नीचे 2 भी बचा हुआ है डिवाइड में, तो ये 2 भी है। अब इस 2.25 को 2 से डिवाइड करते ही फाइनल आंसर आएगा,
कर लेते हैं डिवाइड, 2.25 डिवाइडेड बाय 2, 2 वन ज़ा 2, पॉइंट का पॉइंट लग गया, ऊपर से 2 उतर गया, फिर 2 वन ज़ा 2, ऊपर से 5 आ गया, 2 टू ज़ार 4, माइनस करके 1 आ गया, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं, और ये 5 पे चला गया। अरे 10 पूरा 1.125, 1.125, क्वेश्चन सारा मीटर में है तो ये मीटर है, तो देयर फोर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू 1.125 मीटर। ये लास्ट में आप जरूर लिखे, इसके आधे नंबर कट जाते हैं एग्जाम में। तो जो एम्बैंकमेंट की जो हाइट हो जाएगी, जो इस कुएं में से मिट्टी निकल के इस चबूतरे के ऊपर फैलेगी, तो चबूतरा 1.125 मीटर ऊंचा हो जाएगा। तो क्वेश्चन खत्म, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।